हर तीर्थ या तो किसी महापुरुष के जीवन की घटनाओं से जुड़ा होता या फिर उसकी याद में बनाया जाता। तीर्थ सिर्फ एक संकेत कि हर इंसान परमात्मा तक पहुंच सकता। परमात्मा हर एक को सामान्य अवसर देता उस तक पहुंचने का। जो इस अवसर का सही इस्तेमाल कर लेता वह पहुंच जाता। परमात्मा को सिर्फ गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद में कैद नहीं किया जा सकता। वह तो कण कण में है। जो बोलत है मृगमीन पंखेरू सो बिन हर जापत है नहीं होर। सब परमात्मा ही है। पर अफसोस आज तीर्थ सिर्फ नफरत और राजनीति के अड्डे बन गए। हर तीर्थ अपने फिरके की गिनती बढ़ाने में लगा। चाहे इसके लिए दूसरे के तीर्थ जलाने ही क्यों न पड़े। लाखों लोग तीर्थों पे जाते सिर्फ इसी शंका में कि परमात्मा यहाँ नहीं वहाँ है। इस चक्कर में जिंदगी तो खत्म हो जाती पर भटकना खत्म नहीं होती। लाखों लोगों के तीर्थों पे जाने का मतलब सही होना नहीं बल्कि भेड़चाल है और भेड़े देखा देखी चलती। कबीर जिह मारग पंडित गए पाशे परी बहीर एक अवघट घाटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर। उस परमात्मा के रास्ते पर कोई अकेला ही चल सकता ना कोई आगे ना पीछे। सोचने की बात यह है कि आज से 500 साल पहले कोई गुरुद्वारा नहीं था। 1500 साल पहले कोई मस्जिद नहीं थी। 2000 साल पहले चर्च नहीं थी। 5000 साल पहले मंदिर नहीं थे पर परमात्मा तो फिर भी था। कहत कबीर हो भया उदास तीर्थ बड़ा के हर का दास। तीर्थ बड़ा नहीं हरि का दास बड़ा है। हर महापुरुष में ये काबिलियत के तीर्थ पैदा कर सके पर कोई भी तीर्थ किसी महापुरुष को पैदा नहीं कर सकता। फिर वह कहाँ है। नौनिध अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम। वो तुमसे अलग नहीं बल्कि तुम में ही समाया है।